So let's solve this question. The question is, in how many ways can 10% take seats in a row of 24 fixed seats so that no two persons take consecutive seats? Okay. So देखो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे. एक तो शॉर्टकट मेथड है और एक थोड़ा सा लॉन्ग कट जाएगा, यानी कि मल्टीनोमियल थ्योरम से. ठीक है, अब यहाँ पे 10 पर्सन को इस तरीके से बैठाना है 24 सीटों पे, कोई भी दो पर्सन कंसेक्यूटिव नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 10% को बैठा देंगे, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लोग बैठ गए. ठीक है जी, अब अपने को क्या करना है कि इनके बीच में जो गैप्स बन गए उन गैप्स पे हमें क्या करना है कि सीट्स लगा देने हैं. तो क्या हो जाएगा, ये X1 हो गया, X2 हो गया, X3 हो गया, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 एंड X11. ऑलराइट, अब देखो ध्यान से कि ये जो सम होगा X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X6 प्लस X7 प्लस X8 प्लस X9 प्लस X10 प्लस X11, ये जो होगा बाकी कितने सीट बच गए, 14, तो बाकी 14 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, और यहाँ पे मजे की बात क्या है कि ये जो देख रहे हो ना आखिरी के दो सीट्स, ये जो सीट जो देख रहे हो आप X1 और यहाँ पर X11, ये जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है. ऑलराइट, तो यहां से हमें क्या मिल गया कि X1 जो होगा एंड X11 दिस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एंड बाकी के बारे में क्या कहना है, X2 X3 डॉट 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 कहां तक, X10 तक, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बेगर मेथड पे, है ना, कि अब हमारे पास 14 कॉइंस हैं और हमें 11 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि X2 से लेकर के X10 तक कम से कम एक एक मिले, तो मैं सबको एक एक जाकर के दे दूंगा. तो अब अपने पास कितने बच गए, तो हमने कितने दे दिए, 9 तो हमने फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 14 में से 9 चला जाएगा, अब 5 बच गया. तो अब हमारे पास ये नया क्वेश्चन बन गया, क्या X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, X11 तक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. तो अब ऐसा हो गया कि हमारे पास क्या हो गया, 5 क्वाइंस हो गए और 11 बेगर्स हो गए, हैं? तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता है, ये हो जाता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 है और प्लस 11 कितना हो जाएगा, 16 माइनस, तो 5 प्लस 11 माइनस 1 सी क्या आ जाएगा अपने पास, आर माइनस 1 यानी कि 10 हो जाएगा. ठीक है, और तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 सी 10. ओके, लेकिन ध्यान देना है बच्चों, ये जो आपस में जो पर्सन है उनको आपस में कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं, 10 फैक्टोरियल तरीके से. तो फैक्टोरियल 10 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा. तो ये हमारा जो होगा ना अब फाइनल आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब देखो इसका मेथड नंबर 2 भी हम बता देते हैं यहीं पे. तो ये इसका मेथड नंबर 2 है. मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि मान लो कि जितने लोग नहीं बैठना, मतलब जितने सीट वैकेंट रहने वाला है ना, तो पहले वैकेंट सीट को ही हमने बना लिया. ठीक है, तो वैकेंट सीट को हमने बना लिया V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 बस ये 14 सीट ही हमारे पास बचने वाले थे. अब इनके बीच में जो गैप बचेगा ना, तो कोई भी हम गैप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 10 गैप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक क्रॉस वाला जो हो गया वो हमारा गैप हो गया. सो यू जस्ट थिंक कि अगर हमारे पास 14 वैकेंट सीट है तो उसमें गैप्स कितने बनेंगे, 15. तो हम 15 में से कोई भी क्या कर सकते हैं, 15 में से कोई भी 10 को गैप को सेलेक्ट कर लेंगे और उस 10 गैप में 10 पर्सन को कितने तरीके से, 10 फैक्टोरियल तरीके से हम बैठा सकते हैं. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. All right. Thank you.